जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन की अपने अगले सीरीज में पढ़ते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्लास ट्वेल्थ की इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा था और उसमें भी हमने लगभग आधा पोर्शन कवर कर लिया है। अब कुछ दो तीन स्पेशल केसेस बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो एक हमने स्पेशल केसेस देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर, जब हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे जब 1/a² - x² या 1/x² - a² ऐसा कुछ करके डिफरेंशिएशन निकाला था। 6 फार्मूले उसमें थे और 6 के 6 आपको याद रखने। कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। एक तो था ये, अगर ऐसा हो तब कैसे करते हैं। दूसरा केस था, अगर ऐसा है तब कैसे करते हैं। तीसरा केस था ये। चौथा केस था, पांचवा केस था, ये, और छठवा केस था यही। 5-6 केस थे। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan inverse x/a। हमने डेरिवेशन पूरा किया था लेकिन आपको डेरिवेशन के साथ साथ फार्मूला भी याद रखने को बोला गया था। ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है 1/2a log x - a x + a, ये होता है 1/2a log a + x a - a, ये था log x प्लस मॉड के अंदर x² + a² + c, और ये था log x प्लस x² - a² + c। ये 6 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपने याद नहीं रखे हैं तो इनको याद रख लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में इनका बहुत यूज पड़ने वाला है, जो कि डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। मैं इस वजह से इन फार्मूले को लिख लिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि जो आज हम स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं वो जस्ट इनका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/√x² + a², तो वहाँ पर हमें पढ़ना है जब 1/ में ना होकर के केवल √x² + a² हो तब कैसे करेंगे। इसी तरह √x² - a² हो तब क्या करेंगे। तो ये सारे केसेज हमें पढ़ने हैं। दो ही फार्मूले हैं वो हम पढ़ लेते हैं, पहले डराइव कर लेते हैं फिर फार्मूले के रूप में उनको याद कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं पहला फार्मूला √x² + a², इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दीजिएगा, 1 को क्या कर लीजिएगा सेकेंड, इसको मान लेते हैं i, कि i इक्वल टू ये है। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x, फिर अंडर रूट के अंदर की बात x² का करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx प्लस c, आप लगाना हो लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो i इज इक्वल टू x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर। इसको क्या कीजिए, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इस टर्म को एक साथ लिख लीजिए, और दूसरे वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा है, ये लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर ये और कुछ नहीं है, ये है आई, आई को उधर ले जाएंगे टू आई हो जाएगा, तो टू आई इक्वल टू एक्स ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडर रूट वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम पहले से निकाल चुके हैं, वो क्या है ये है, यही वाली वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो ये क्या है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, तो आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग प्लस कांस्टेंट, चाहे तो सी बाई टू लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो के दोनों कांस्टेंट, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक, सिमिलरली ये भी ठीक वैसे ही होगा जैसे हम पहले कर चुके हैं। अंतर क्या पड़ेगा, अंतर ये पड़ेगा यहां पर आई इज इक्वल टू में लेगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, हमारी समझ से अंतर पड़ेगा माइनस का, चलिए एक बार निकाल कर देख लेते हैं, मैं भी भूल रहा हूं फार्मूला, निकाल ही लेते हैं। आई इज इक्वल टू दिस फर्स्ट फंक्शन और वन को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपान रूट एक्स का क्या होता है वन अपान टू रूट एक्स, फिर इंटू इसके अंदर का कीजिए तो माइनस टू एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक,
ये और ये टर्म एक साथ रखिएगा, माइनस लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आई है, तो 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट उसमें स्लाइड में देख लीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए, रिवर्स तो नहीं कर दिया ना हम लोग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है। एक मिनट जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं। वन अपान स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल ए कॉस थ्री डिवाइडेड बाई, ठीक है ये। तो इसका क्या निकला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहां से आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक, एक मिनट जरा मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ फिर आपको वापस ले चलूँगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। एक यहीं पर और बता देता हूं,
एक तो ये फार्मूला है, दूसरा इफ, अगर मुझे इसका निकालना हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसी फार्मूले में क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, फार्मूला वही रहेगा बस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फार्मूला वही बताना है, या तो ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनेगा या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बनेगा या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक, इसी का भी बने, हमारे पास सारे फार्मूले नोन है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वही तरीका है जो जैसे पहले आपको बताए थे। पहली बात, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या बनाना है, वन। उसके बाद एक्स का जो कोफिशियंट है उसका आधा करना है और उसके स्क्वायर को जोड़ देना और घटा देना है। एक्स का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पर टू, टू का आधा कीजिए क्या आएगा, वन, वन को जोड़ दीजिए और वन को घटा दीजिए। एक्स का कोफिशियंट का साइन बताएगा कि आपका ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा या ए माइनस बी का। तो यहाँ पर किसका फार्मूला बनेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का, अब ये फार्मूला किसका बना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला में आंसर क्या लिखेंगे, एक्स बाई टू अंडर रूट वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मतलब फोर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका क्या है, आंसर है। आंसर आपने डायरेक्ट लिखा फार्मूले का इस्तेमाल करके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये टू आ जाए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इसमें फार्मूला बनेगा किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो साफ साफ दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का। तो ये किसका फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका फार्मूला बनाते समय क्या ध्यान रखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपान टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका क्या है, आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज खोल लीजिए 7.7 और फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको तो डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, इंटीग्रेशन करना था इसका, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, फोर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर पहले कॉमन ले लीजिए तो टू अंडर रूट वन बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इस पर डायरेक्ट आंसर वो फार्मूला लगाइए तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू वन बाई टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये कितना मिला एक्स अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एट साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी आंसर। ठीक, नेक्स्ट डायरेक्ट है क्वेश्चन फार्मूले पर, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस फोर माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का, ये किसका फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या बनता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी जगह आप ये भी उठाकर रख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर बाई टू रूट टू का स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस ये आपका आंसर। शायद पीछे के क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत हो गए, नहीं ये तो सही है, ये भी सही है। हाँ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, ये एक्स प्लस वन होना चाहिए। ठीक, यहाँ भी गलत है, ये भी एक्स प्लस वन हो। एक्स की जगह एक्स प्लस वन है, इस वजह से एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस फोर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री का, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग
आंसर। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है बस पहचान करके। इसको क्या करेंगे, 1 - 4x - 6² - 4 + 4। √5² - x + 2² ये क्या हो जाएगा, √a² - x² और अगर √a² - x² होता है इसका फार्मूला क्या बनेगा, x/√1 - 4x - x² + a² / 2 sin inverse x / a। आंसर ठीक। इसमें क्या करेंगे, x² + 4x - 5 + 4 - 4। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, x + 2² - 3 x² - a² लिखा है तो क्या कर देंगे, x/2 √-। ओ सॉरी, प्लस a² / 2 9/2 log x + 2 प्लस √x² + 4x + 5 + c। आंसर नेक्स्ट। ये क्या हो जाएगा, a² - x² का फार्मूला लगा दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ही आपका आंसर। डायरेक्ट फार्मूला, इसमें ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है, बस आपको पहचानना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। √x² + a² और 1/√x² + a² में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक। और वो तभी नहीं होगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस पर कुछ भी सोचा कि आपने फार्मूला डायरेक्ट रट लिया और वहाँ पर जाकर अप्लाई कर देंगे, कभी नहीं होगा, हमेशा कन्फ्यूजन होगा, हमेशा हाथ आपके कांपेंगे, कभी हाथ और मस्तिष्क का आपस में संयोजन नहीं होगा, मन कुछ और कहेगा, हाथ कुछ और लिखेंगे, ऐसा होता रहेगा, ठीक। तो वहाँ पर जादू ना होने पाए इसके लिए ज़रूरी है कि घर पर ही जादू कर लिया जाए, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर बना दिए, क्या हो जाएगा,
में क्या करेंगे, 1/9 बाहर ले लीजिए, तो क्या करेंगे, वन बाई थ्री, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर सिंपलीफाई कर लीजिएगा। ठीक, ये तो डायरेक्ट है, आंसर डायरेक्ट फार्मूला केवल अप्लाई करते जाना है पहचान करके। क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 9/2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आंसर डायरेक्ट फार्मूला पहचानना है और डायरेक्ट अप्लाई कर दें। आज के लिए इतना ही, आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो गया है, अब केवल क्या करना है, उसी फार्मूले को बार बार रिपीट करते जाना। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभ्यास खूब कीजिए, अभ्यास का कोई शॉर्टकट नहीं है, आज नहीं तो कल आपको परिणाम उसका मिलेगा, चीज़ें आपकी शार्प होती जाएंगी अगर आप अभ्यास करते। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।